चलिए आज हम एक इमेजिनेशन की स्पेसशिप को उड़ाते हैं, कुछ साइंस फिक्शन मूवीज की तरह। एक छोटे से कंसेप्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस होंगी। जब हम एक स्पेसशिप को लाइट की स्पीड तक अप्रोच करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस होंगी। मान लीजिए हमने इस स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करना शुरू किया और हम यह भी मान के चलते हैं कि इसकी प्रोपल्शन सिस्टम हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन बनाए रखने में मदद करेगी जितनी देर हो सके। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो यह ख्याल आएगा कि उससे स्पेसशिप अनबैलेंस्ड हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि स्पीड हमारे बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जब दो ट्रेन्स क्रॉस करती हैं तो उस टाइम बैठे शख्स को यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उसकी ट्रेन रेस्ट में है या दूसरी ट्रेन, जब तक उसे पहले से पता ना हो। उसी तरह स्पेसशिप के अंदर हमें स्पीड महसूस नहीं होगा, होगा तो सिर्फ एक्सेलरेशन, रिएक्टर से लग रहा थ्रस्ट महसूस होगा। अगर यह थ्रस्ट एकदम कांस्टेंट बरकरार रहा तो यह लाइट की स्पीड पे भी चली जाए तो हमें कुछ फील नहीं होगा। पर सिर्फ ऐसी स्पेसशिप काम नहीं आएगी क्योंकि इतनी हाई स्पीड पे एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरे शिप को तबाह कर सकता है। इसके लिए हमें फोर्स फील्ड जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जो खतरनाक ऑब्जेक्ट्स को रिपेल कर देते हैं। पर जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो और बहुत अजीब चीजें होंगी। देखिए, जैसे जैसे हम स्पेसशिप को एक्सेलरेट करेंगे तो हमें एक बहुत अजीब सी ऑप्टिकल इफेक्ट दिखाई पड़ेगी, जिसमें होगा ये कि आगे की चीजें यानी सामने का व्यू हमसे दूर जाते हुए महसूस होगा। आइए इसे समझे। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं और तेज रफ्तार में हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है। रेन तो वर्टिकली गिर रहा है, पर जैसे कि कार आगे की ओर जाते जा रही है तो रेन ड्रॉप्स विंडशील्ड से टकराएंगे और उस वक्त रेन ऊपर से सीधा आते वक्त महसूस नहीं होगा, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसे रेन ड्रॉप्स की ट्रेजेक्टरी बदल गई है, यानी वो टेढ़ी गिर रही है। और जितना तेज आप स्पीड बढ़ाएंगे आपको महसूस होगा कि और ज्यादा टेढ़े एंगल से रेन ड्रॉप्स कार के फेस पर टकराएंगे। यहां स्पेसशिप के केस में स्टार्स के लाइट हर डायरेक्शन से आ रहे हैं, पर जैसे हम एक्सेलरेट करेंगे लाइट रेज हमें बेंड होते हुए महसूस होंगी। लाइट रेज स्पेसशिप के फेस पर ज्यादा हिट करेंगी, जिससे मोशन में होने की वजह से लाइट की डायरेक्शन में बदलाव महसूस होगा। इसी को वैज्ञानिक भाषा में एबरेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और जैसे कि लाइट स्पेसशिप के फेस पर ज्यादा फोकस कर रही है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, और इसका उल्टा जब हम पीछे देखेंगे तो हमें डार्कनेस और पीछे का व्यू चौड़ा होते हुए नजर आएगा। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हम आसमान में या अंतरिक्ष में जितना दूर देखते हैं हम उतनी पास्ट की चीजें देखते हैं। जो लाइट हमें दूर के सितारों से रिसीव हो रही है, उस लाइट ने बिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये सफर इतना जल्द पूरा नहीं होता, लाइट को भी हमारे आंखों तक पहुंचने में सालों का समय लगता है। ये समय डिपेंड करता है दूरी पर। जिस सितारे को हम देखते हैं वो हम उस सितारे की पास्ट को देखते हैं क्योंकि हमने उसकी सालों पुरानी लाइट को देखा है। कौन जानता है कि वहां पर अभी क्या चेंजेस आए होंगे। कुछ यही फिनोमिनॉन यहां पर भी होती है। जैसे जैसे स्पेसशिप धरती से दूर जाएगा वैसे वैसे धरती की लाइट हमारे पास लेट पहुंचेगी क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। और इसी को जब हम दूर से एक टेलीस्कोप से जूम करेंगे तो हमें धरती पर चल रहा समय स्लो मोशन में दिखाई देगा, यानी लोगों की बढ़ती उम्र भी हमें स्लो मोशन में दिखाई देगी क्योंकि धरती की एक एक सेकंड को हमारे स्पेसशिप तक पहुंचने में समय लग रहा है, और इसी को डॉपलर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर एक सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे धरती की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगी, नतीजन धरती की इमेज हमें धीरे धीरे कम दिखने लगेगी और रेड कलर की होने लगेगी। तो बताइए रेड क्यों। अपने आंसर्स कमेंट में दीजिए और फैक्ट्स टेलर से जुड़े रहें।